जवान और सलार एक ही महीने में आने वाली है और 90% लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये दोनों मूवी 1200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी, जैसे कि RRR, KGF इस सब मूवी ने 1200 करोड़ का आंकड़ा पार किया। तो अभी लोगों के दिमाग में ये है कि भाई 7 सितंबर को जवान आने वाली है और 28 सितंबर को सलार आने वाली है, इन दोनों के बीच में बस 21 दिन का गैप है, तो क्या ये दोनों मूवी जो है 1200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी, तो वही इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। आप जितना इसको मुश्किल समझ रहे उतना मुश्किल ये है नहीं। जवान और सलार के बीच में 21 दिन का गैप है, तो लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि 1200 करोड़ तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इसका एग्जांपल हम लोगों को पहले भी देखने के लिए मिल गया है। जैसे कि RRR मूवी आई थी और KGF चैप्टर 2 मूवी आई थी। RRR मूवी आई थी 24 मार्च को 2022 में, फिर उसके बाद तुरंत ही 12 अप्रैल को KGF चैप्टर 2 आई थी। यानी कि आप समझ रहे हो, KGF में और RRR में दोनों में बस 18 दिन का गैप था, लेकिन फिर भी RRR ने भी 1200 करोड़ किए और KGF ने भी 1200 करोड़ किए। पर कैसे भाई, इन सब का ऑडियंस पहले ही फिक्स है। तो आप देख सकते हो RRR का भी फैन फॉलोइंग बहुत पहले से ही था और KGF का भी, तो यही एडवांटेज जो है सलार और जो है जवान को मिलने वाला है। जवान का भी लोग जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसका भी बहुत ज्यादा क्रेज है और इसका भी साथ ही साथ में क्रेज है। तो आप ये देख सकते हो कि दोनों मूवी में इतना पावर है कि दोनों मूवी कम से कम पहले दिन में 150 करोड़ का ओपनिंग ले और कम से कम 14 से 15 दिन में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर ले। तो ये पॉसिबिलिटी हम सभी लोग को नजर में आ रहा है। और मान लीजिए कि अगर 21 दिन में नहीं भी हो पाया तो उसके बाद क्या होता है, अगर 800-900 करोड़ भी अगर ये मूवी चली गई तो उसके बाद जो धीरे धीरे कलेक्शन जो थोड़ा थोड़ा आता रहता है। तो मुझे लगता है कि जवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है 1000 करोड़ पार करना, क्योंकि इसका पहले से बहुत ज्यादा लीक्स आया है। ये मूवी इतना ज्यादा हाइप बना चुकी है पहले से कि इसका भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि ये मूवी जो है 1000 करोड़ प्लस जा पाएगी चाहे 1200 जा पाएगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सलार की बारी आती है, तो सलार का उतना हम लोगों को जो है लीक्स नहीं मिला है, ना ही कोई कंफर्मेशन मिला है कि ये साथ ही KGF में आने में भी वाली है कि नहीं आने वाली है। लोग तो सलार को लोग इसलिए देखने जाएंगे कि इनको जो है रॉकी भाई देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लोग फिर निराश होंगे, क्योंकि आप उनके लोग में इच्छा डाल दे रहे हो लेकिन उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो अगर हम बात करें कि दोनों मूवी के अंदर कम से कम जो है 1200 करोड़ तक जाने का जो है आंकड़ा तो है, ये दोनों मूवी 1200 करोड़ आराम से जा सकते। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस वीडियो में।